अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जी? मैं बस अभी एक शूट पे गई हुई थी। सो बहुत जल्द वो जो शूट है उसकी वीडियो जो है एक फेसबुक पेज है उसके ऊपर आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो वो आपको आज मेरे ड्रेस से भी लगा रहा होगा कि मैं 14 अगस्त के ही एक शूट से आ रही हूँ। तो इट वॉज रियली फन। रिएक्शन वीडियोज़ थी ऑन नेशनल एंथम, जो गाने हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं उन्हीं के हवाले से थी। तो अभी मैं आई, घर से निकली थी, पहले मैं ऑफिस गई, ऑफिस से फिर शूट ब्रिज प्लेस पे पहुंची। तो मेरा अभी दिल नहीं किया कि मैं घर जाऊं, क्योंकि मियाँ जी जो है मेरे वो अभी जॉब के लिए निकलेंगे। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं इधर इधर इस्लामाबाद में G5 के ऊपर एक प्लेस है जहाँ के चाय और पकौड़े बहुत मशहूर हैं, तो मैं अभी वो खाने के लिए आई। तो आराम से ज़रा बैठते हैं और ज़रा मी टाइम इन्जॉय करते हैं। और बड़े अरसे बाद मैं इधर आई हूँ, सो मैं आपको ज़रा इसकी लोकेशन वो व्यू भी चेक करवाती हूँ इधर का। ये ज़रा चेक करें, ये देखें कितनी खूबसूरत। ये आप यहाँ पे बेसिकली जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि ये Trail 5 है, और यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वॉक करने के लिए, हाइकिंग के लिए, इस तरह के लिए अपने शाम के टाइम बहुत तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। और इस जगह के चाय और पकौड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो बस जी, मैं तो वॉक के लिए नहीं आई, क्योंकि मुझे मुझे लगता है मुझे वॉक की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी जो है मशरूम स्मार्ट हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब मेरी इस बात के ऊपर जिसने हंसना है वो हंस ले, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। तो टैनिंग मुझे बहुत ज़्यादा हुई हुई है, मुझे लगता है कि मुझे ज़रा फेशियल अपना करना पड़ेगा, या कोई रेमेडी यूज़ करती हूँ। ये तो वही बात होगी, मुंह ना मत्था जिन पहाड़ों लत्था। तो खैर अभी ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर आता है तो ज़रा फिर अपना मी टाइम इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये होती है यहाँ पे एक इधर के स्पेशल पकौड़े, मतलब सिर्फ आलू और उनको बेसन और मसाला लगा के फ्राई किया गया है, चटनी है, और ये इनकी स्पेशल चाय है जिसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। तो चलें जी, इंजॉय करते हैं। तो अगर आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यूं करें ना कि आप घर पे बना लें और फिर ज़रा खा लें। अभी गर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल कर रहा है कि बस अभी खा लिए जाए। अच्छा जी, खाना हो गया, मतलब चाय और पकौड़े हो गए और बहुत मज़े के थे। तो जी 14 अगस्त आने वाला है, आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कोई इस बार कोई अपना कोई एम बनाए, कोई रेजोल्यूशन बनाए कि नेक्स्ट 14 अगस्त तक अपने पाकिस्तान के लिए आप लोग क्या करेंगे। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। सिर्फ ये नहीं कहना है कि हम झंडा लगा लेंगे, हम लोग सिर्फ जो है उस दिन छुट्टी है तो घर पे बैठ जाएंगे, नगमे सुन लेंगे, दैट इज़ इट। पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए आपको पहले अपना रोल समझना चाहिए कि बहैसियत पाकिस्तानी जो है आप अपना क्या रोल अदा कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं अपने घर को भी संभालती हूँ, मैंने अपनी बहनों को भी एम्पावर्ड किया है, और जो है माशाल्लाह दे आर एजुकेटेड। और अभी मेरी रिसेंटली मेरी सबसे छोटी बहन जो है रामीन, उनका एडमिशन हुआ है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, और दैट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर मी इन अ वे कि वो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए गई हैं जिस सब्जेक्ट पे मैंने किया है। आई डिड माई मास्टर इन मैस कम्युनिकेशन,
बैक इन 2010 और अभी वो भी उसी में करने के लिए गई हैं. सो आई एम रियली होपिंग कि वो बहुत अच्छे से पढ़े, उसके लिए बहुत सारी दुआएं. और हमारे घर का सबसे लाडला और मासूम बच्चा है वो, तो लिहाजा मैंने अपने रोल इस तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं मैंने पांच आने वाली नस्लों की पांच माओं को मैंने जो है एजुकेशन दिलवाई है, उनको ग्रूम किया है, और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए मैंने बहुत काम किया. सो ये एक किस्म की आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है. बाकी सच अपना अपने हिस्से का काम पूरा करते जाएं, जो आपकी ड्यूटी है ना, विदाउट नोइंग दिस कि इसका हमें कोई बड़ा अजर मिलेगा या हम लोगों को कोई तमगे मिल जाएंगे इसके ऊपर. जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, आई एम पुटिंग माई 100% इन माई जॉब. और मैंने कभी काम जॉब को ये समझ के नहीं किया कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, या मुझे तो इसका मुझे भी तो उतनी तनख्वाह मिल रही है जो बाकी लोगों को मिल रही है और वो काम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया. मतलब मुझे अपने इस जॉब के ऊपर मुझे 5 साल होने वाले हैं, तो मैं अपना काम बहुत दिल से करती हूँ और ईमानदारी से करती हूँ, और उसका अल्लाह अजर भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप भी इस तरीके से अपना काम करें. तो बस अभी शाम का हो गया वक्त और मैं अभी चल रही हूँ घर, और इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी. और ये मुलाकात वैसे हमारी काफ़ी लेट हो गई, आई एम रियली सॉरी. कुछ के मैसेजेस भी मुझे आए हुए थे, जो स्टूडेंट्स मुझे मेरी जॉब प्लेस पे मिलती हैं, दे आर रियली सेइंग कि हम वेट कर रहे हैं आपके व्लॉग का. तो छोटा सा व्लॉग है, तो आई होप यू विल इंजॉय. ये लास्ट मैं दिखा रही हूँ जी, इधर के ये चेक कर लें. ओके जी, पेमेंट वाले भी आ गए हैं. ये जी अभी का मंजर है, ये देखें, ये छोटा सा भालू मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है. ये उसने जब मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी वैगन आर, तो ये उसने मेरी गाड़ी में लगाया था. तो ये भी गाड़ी जब आई तो मैंने जो है ये लगा लिया इसको. तो ये जी इस टाइम के ऊपर जो है इसके सारे जो है व्यू हैं, ये और ये इस्लामाबाद ब्यूटी तो है. अभी कहना तो चाहिए, आप इस्लामाबाद आए हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली को लेकर एक बार जो है ट्रेल 5 वाली जगह पे ज़रूर आएँ, चाय पिलाने के लिए. इकोनॉमिकल भी है, जगह बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है. अभी तो मैं रोड देख के बड़ी वो क्या इम्प्रेस हुई हूँ कि इन्होंने पूरा कारपेट बिछा दिया है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से, मतलब CDA जो है इस्लामाबाद में तो एटलीस्ट काम कर रहा है. तो आई एम होपिंग कि वही बात आ जाती है ना कि 14 अगस्त के ऊपर लोग कुछ ना कुछ पाकिस्तान की जो है बुराइयां कर रहे होते हैं कि हमारे हुक्मरान या हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो काम नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है. देखें चीज़ें, पहले पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट भी करें. अगर आप नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं ना कि ये हो गया, आप भी किसी बच्चे को उठा के पूछे ना कि हाँ जी हम लोगों ने PMLN को वोट नहीं देना या हम लोगों ने PTI को वोट नहीं देना, किसी की बात भी करें और उनसे पूछे ना कि हाँ भी क्यों नहीं देना है, वो सुनी सुनाई बातें जो हैं जो उनके बड़ों ने या उन्होंने कई जलसों जुलूसों में सुनी होती हैं, उसके ऊपर आके जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं. तो मैं बात सॉरी वो बच्चा आ गया था पेमेंट लेने के लिए. तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जहाँ पर हम लोग किसी गवर्नमेंट के काम को उस बुरा कहते हैं, मैं बिल्कुल इस टाइम न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ. क्या कहते हैं, बिसाइड दिस थिंग कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन जो भी पार्टी हो, चाहे मैं जिस भी पार्टी को करती हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे पाकिस्तान के लिए जब काम होगा तो उसके अंदर पहले मैं अपनी कंट्रीब्यूशन को काउंट करूँगी. मैं हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हुक्मरानों को नहीं ठहराऊँगी कि हमारी हुकूमत तो ये कर रही है. मुझे बहुत दुख होता है, पाकिस्तान है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, क्या करें जी, पाकिस्तान की हुकूमत जैसी है तो पाकिस्तान के साथ में यही होना है फला. आप खुद क्या करते हैं, आप खुद बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जो है रैपर जो है वो सड़क पे नहीं फेंका होगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि मेरे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तंदुरुस्ती है, मेरा अपना घर है जाती, तो मैं क्यों ना किसी बच्चे की कफालत अपने ज़िम्मे ले लूँ. ये तो हमारा मज़हब भी कहता है ना, कि हम में से कितनों ने सोचा है कि हम लोग आज जो है दरख्त लगा दें. ज़रूर आपने वेट करना है इस चीज़ का कि मुहिम आएगी दरख्त लगाने की, तो हम तभी दरख्त लगाएंगे. क्यों नहीं लगाते हैं, दरख्त लगाना ही नहीं होता, उसकी हिफाजत भी करनी होती है. आप इस चीज़ को छोड़ें, आप अपने बच्चों को देखें, आप एक जो
आप लोग समझते हैं कि शायद हम लोग बड़े हाई स्कूल हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को दाखिल करा के हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। आप ये तो देखें कि क्या उनको जो तालीम मिल रही है या जिस तरीके से वो ग्रूम हो रही हैं, आपने कभी उस पर तवज्जो दी है? आप लोग हर चीज़ के अंदर हर अकाउंटेबल करना छोड़ दें, पहले अपने आप को देखें, अपने आप को पहले अकाउंटेबल करें, फिर दूसरों के ऊपर बात करें। तो मेरा तो ये है, मेरी ये चीज़, मेरी अम्मी हमेशा ये चीज़ हमें ना शुरू दिन से कहती थी कि अल्लाह उनको सेहत दे, कहती हैं कि अपना बेस्ट दो आखिरी दिन तक, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि जी आप लोग पोजीशंस लेके आए। हाँ कभी कभी मुझे कह देती थी कि जो फर्स्ट आई उनके के सर पे सींग थे, लेकिन कभी प्रेशर नहीं किया उसके हवाले से। मेरी मदर्स जो है वो सिर्फ प्राइमरी पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें बहुत शौक था कि मेरी बेटियां पढ़ें और उन्होंने हमें पढ़ाया। तो ये बहुत आपका जो है ना अपना रोल, प्लीज इसको निभाएं, थोड़े से सीरियस हो जाएं लोगों के सुनी सुनाई बातों के ऊपर कि फलां जो हुकूमत है उसने ये बिगाड़ के रख दिया है। देखे जी सवा, मैं अभी एक एफएम चैनल पे सुन रही थी कि जी वो उनके लिए कोई शाही खाना दिया गया, जो हमारी अभी गवर्नमेंट गई है, इतना उसके अंदर ये था, कुन्ना था, मुगलाई बोटियां थी, पता नहीं क्या क्या, उसने तो इतनी डिशेस के नाम ले लिए, 7 किस्म के नाम थे। और जी वो कह रही है कि जी 1.25 साल के अंदर हमारे पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा के चले गए। आप बात करते हुए एटलीस्ट जब इस तरीके से बात करें, खुदा का नाम लें, किसी को तो वो थोड़ा सा वो बख्श दें। जब पीटीआई थी तो आप लोग पीटीआई के पीछे पड़े हुए थे, अक्सर आधी आवाम पीटीआई के पीछे पड़ी हुई थी कि पीटीआई ये, पीटीआई अच्छा काम नहीं कर रही है, पीटीआई चली गई, नून लीग आ गई है, नून लीग अच्छा काम नहीं कर रही। और भाई काम अच्छा करेगा कौन? किसी एक बंदे का तो आप खुदा के लिए उसके ऊपर तो राजी हो जाए कोई एक कौम। चले जो बंदा आता भी है, आप लोग अपना रोल निभाएं कि हमने अपना काम सही करना है, हमने लोगों ने अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है। हमारे घर में जो मुलाजिम में अगर कोई मुलाजिम काम कर रहा है, अभी और रिजवाना बच्ची का केस सुना है आपने, किस तरीके से उसके साथ में जुल्म हुआ है? अगर मीडिया ना होता तो आपको लगता है कि कोई कुछ हो सकता? कुछ भी नहीं, किसी का बाप भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता था। तो ये तो शुक्र है कि हमारा मीडिया जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसके ऊपर फिर बाकी लोग जो भी सामने आ जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, मैं आपसे ये कहूँगी, प्लीज़ पाकिस्तान को पॉजिटिव नज़र से देखें, मत नेगेटिविटी फैलाएं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, बस हम लोग यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी और शिफ्ट होना चाहिए, किसी और मुल्क में जाना चाहिए, पाकिस्तान में ये हालात है, ऐसे मत कहें। ये मेरा पाकिस्तान है और मैं इस पाकिस्तान के लिए अपने आखिरी दम तक, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम मैं करती रहूँगी। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ 14 अगस्त, प्लीज़ बी पॉजिटिव, अच्छी सोच लेके आए, नेगेटिव थॉट आपने नहीं लेके आनी है, नहीं आपने बात करनी है कि फ़लाँ ने ये कर दिया तो इस वजह से पाकिस्तान के हालात हैं। अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह हम दोबारा से फिर उठेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज।